हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपना मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी। यही चल रहा था पिछले लेक्चर में और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, मॉडुलस फंक्शन और इनइक्वालिटी। तो आज कुछ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इनइक्वालिटी के बारे में सोचेंगे। पिछले दिनों में मैंने मॉडुलस फंक्शन का, पिछले जो भी लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने मॉडुलस फंक्शन का ओपन करना और एक्सपेंड करना सिखा दिया हूँ, कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करके लिखना है। अब उनका हम ग्राफ बनाएंगे। अब मॉडुलस फंक्शन को कैसे बनाएंगे ग्राफ? पिछले दिनों में मैंने भी बोला था कि मॉडुलस फंक्शन इन साइड में जहां जीरो होता है उसी को लेके अपन लोग चलते हैं। तो आज का टॉपिक सेम रहेगा, अभी भी मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी, मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी। अच्छा, इसमें जैसे मान लो कि इसमें आज जो है, आज बेसिकली हमारा जिस बात पे ज्यादा फोकस होगा वो ग्राफ पे फोकस होगा, जिस बात पे ज्यादा फोकस होगा वो ग्राफ पे होगा। जैसे मान लो कि पहले मान लो कि आपके सामने एक कोई फंक्शन दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है मॉड एक्स माइनस वन। तो आपको याद होगा इसका ग्राफ हमने पहले पिछले दिनों बनाया भी था। तो इसका ग्राफ बनाएंगे कि सबसे पहले इस फंक्शन को ओपन करेंगे कि आपका ये एक्स माइनस वन होगा जब इनसाइड वाला पॉजिटिव होगा और माइनस एक्स माइनस वन होगा जब इनसाइड वाला निगेटिव होगा। इसको दोबारा एक और लिख देते हैं। आपको ये याद हो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखने का तरीका होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स, और आपका यहाँ पे हो गया एक्स माइनस वन जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, और ये वन माइनस एक्स का है या सीधे ऐसे कर देंगे माइनस एक्स प्लस वन एक्स लेस देन और लेस देन वन। मतलब बैरियर कौन हो गया? एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन जो है कि बैरियर हो गई। जरा देखो क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए। ऐसे एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस खींचा हमने और यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन, देखो ये एक्स इक्वल एक्स वन वाली लाइन इसकी बैरियर है, तो हम एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन खींच दिए, एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन खींच दिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन खींचने के बाद अब जरा देखो तो वन से आगे में ये ग्राफ है, मतलब कि वन से आगे में इधर में आपका है वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। कहाँ पे कट कर रहा है? वाई एक्सिस को वन पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी वन पे कट कर रहा है। ऐसे वाला ग्राफ हो गया, देखो ये वाला ग्राफ हो गया। एक्स वाई को, सॉरी वाई को माइनस वन पे कट कर रहा है, वाई को माइनस वन पे कट कर रहा है और एक्स को वन पे कट कर रहा है। तो ये वाला लाइन हो गया, ये वाली लाइन हो गई आपकी, ये वाली लाइन। और आपका ऐसे ही आपका, चूंकि एक्स से एक्स वन से आगे के लिए ये वाला है, तो हमने वन से आगे के लिए बिल्कुल आपका बोल्ड लाइन बनाया, बाकी डॉटेड लाइन बना दिया। और एक्स लेस देन वन के लिए ये है, यानी एक्स लेस इधर के लिए आपका है वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, मतलब एक्स इक्वल टू वन पे अभी भी काट रहा है और वाई इक्वल टू वाई को प्लस वन पे और एक्स को भी प्लस वन पे कट कर रहा है। तो ये वाला लाइन हो गया और ये पीछे वाले में इस तरह गया। देखो क्या लग रहा है, क्या फील क्या आ रहा है कि ये वाला लाइन यही आपका मॉड एक्स प्लस वन का है। आपको याद है, आपको याद है मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे था, मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ ये था और हमने मॉड एक्स माइनस वन किया। तो ऐसा लग रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे जो लाइन बना था, अब यही सारा ग्राफ जो यही वाला ग्राफ है वो शिफ्ट होके, यही वाला ग्राफ शिफ्ट होके एक यूनिट आगे चला गया। मतलब अब यहाँ पे ये वाला ग्राफ कहाँ चला गया, यहाँ कहीं वन है तो ऐसे चला गया इधर साइड में। ये हो गया आपका किसका, मॉड एक्स माइनस वन। मतलब अगर अगर आपसे इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी दिन कोई कहेगा कि वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करो कि मॉड एक्स का ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। अब ये देखो अंदर वाले को हमने जीरो पुट किया, एक्स बराबर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आ गया वन, तो ये ग्राफ एक्स इक्वल टू वन पे बन गया नया। ऐसे ही अगर हम इसको अंदर वाले को एक्स प्लस वन को जीरो पुट किए तो एक्स बराबर माइनस वन, तो यही वाला ग्राफ थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया एक्स इक्वल टू माइनस वन पे और ये ग्राफ बन गया। बोलो बात समझ में आई, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है कि मतलब हम सबका इसको भी ऐसे ओपन कर करके बना सकते हैं, लेकिन उतने के बजाय अगर आपको इतनी छोटी सी चीज का, अगर आप मैथ्स हो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जरूरी है कि थोड़ा स्मार्ट काम भी करना आना चाहिए। तो आप फटाफट ये एक्स इक्वल टू अंदर वाले को बराबर जीरो पुट किया, तो चला कि एक्स इक्वल टू माइनस वन आया। तो मॉड एक्स का ग्राफ हमने कर रखा है, इतने तो याद रखना, अपने मॉड एक्स का ग्राफ याद रखा है, एक मॉड एक्स ग्राफ को पीछे शिफ्ट कर दिया एक्स इक्वल टू वन पे माइनस वन पे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब तो ये हुआ कि सर अगर किसी दिन, अगर हमें किसी दिन किसी ने कोई कह दिया कि यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है मॉड एक्स माइनस टू का,
किसी ने कोई कह दिया कि वहाँ बुलाओ मॉड एक्स माइनस या एक्स प्लस टू का, तो सर आप क्या करेंगे? तो हम कहेंगे बेटा आप पहले मॉड एक्स का ग्राफ बना लेना है ऐसे, ये मॉड एक्स का ग्राफ बन गया, ये जो मॉड एक्स का ग्राफ है इसी ग्राफ को अंदर वाले को जीरो पुट करना, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, आया एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो इधर एक्स इक्वल टू माइनस टू पे आप एक्स इक्वल टू माइनस टू पे काम करो, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे एक्स इक्वल टू माइनस टू पे एक लाइन खींच दो यहाँ पे, और एक्स इक्वल टू माइनस टू पे लाइन खींचने के बाद आप कहे हो गया माइनस टू, और यही वाला ग्राफ इधर शिफ्ट कर दो, इधर बना दो ये, ठीक है, तो इधर बना दो, तो आपका हो गया ये एक्स इक्वल टू माइनस टू पे आपने ग्राफ बना दिया, तो ये हो गया मॉड एक्स प्लस टू का। अब ऐसे ही आपको किसी ने कह दिया कि मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ बना दो, तो क्या करोगे? यही ग्राफ को आप इधर साइड में बना दो। बोलो समझ में आ रहा है ना, इतनी सिंपल सी बात है। अब इसी में बहुत सारे लोग यहीं पे डोमेन रेंज ये सब चीजें पढ़ाते हैं, हम डोमेन रेंज जो क्लास 11th के लिए बोले हैं कि अभी मत करना डोमेन रेंज वगैरह, अभी मत पढ़ना, ये अभी के लिए नहीं है, डोमेन रेंज सब पढ़ेंगे क्लास 12th में। रेंज मतलब होता है वाई की वैल्यू, वो सब दिख रहा है कि जीरो से इन्फिनिटी, वो सब चीजें बहुत बाद की चीजें हैं, उसको अभी नहीं देखेंगे हम, उसको 12th के पहले चैप्टर फंक्शन में देखेंगे। अभी तो हम इसका अभी तो सिर्फ सिंगल सिंगल ग्राफ बना रहे, जैसे मान लो कि थोड़ा सा और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और हम आपको दिखाएं। जैसे मान लो कि सर जी अभी तो आप बहुत चालाकी से, मतलब होता ना कि बहुत कुछ लोग रटे रटाए आए और बोले ऐसे इसका बना दो, सर बहुत चालाकी से आपने कर दिया, अगर 2x माइनस 4 हुआ तो हम क्या करेंगे? तब भी ग्राफ वैसे ही बनेगा? तो हाँ बेटा, तब भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा। एक बार के लिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये 2x माइनस 4 जिस दिन पॉजिटिव होगा उस दिन 2x माइनस 4 देगा, और जिस दिन 2x माइनस 4 आपका निगेटिव होगा, यहाँ इक्वल टू भी लगा दिया, उस दिन माइनस 2x माइनस 4 देगा। यानी अच्छा 4 की बजाय मैं 3 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ ताकि और थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा और इतना सिमेट्री भी अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये y इज इक्वल टू हो गया, देखो ये 2x माइनस 3 ये हो गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बाई 2, और ये हो गया माइनस 2x प्लस 3 x लेस देन 3 बाई 2। अब इसका ग्राफ बनाना होगा, तो हमको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों? जरा देखो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो टाइम वेस्ट करने के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करना होगा? बिल्कुल आपने एक्स एक्सिस सही पकड़ा, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने खींच लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते ही आपका बैरियर हो गया 3/2। क्या हो गया? मतलब कौन सी लाइन के आगे पीछे देखना है अपने को? 3/2। तो एक्स इक्वल टू 3/2 ये लाइन आपने खींच लिया। अब x इक्वल टू आगे वाला क्या पार्ट है? y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, ये x इक्वल टू 3/2 पे कट करेगा, y को कट करेगा, माइनस 3 पे कट करेगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, देखो ये वाला ग्राफ बन गया। और आपका ये जैसे पीछे वाले में बैरियर है माइनस 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू x को कट करेगा अभी भी 3/2 पे, y को कट करेगा 3 पे, ये देखो ये ग्राफ बन गया इधर साइड में, ये देखो तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है क्या कि मॉड x ग्राफ 3/2, यानी x इस अंदर वाले को जहां पे जीरो किया वहीं पे शिफ्ट हो गया। तो कभी भी चाहे 2x रहे चाहे 3x रहे आपका शिफ्ट हो गया। तो सर जी ये तो रहा जब एक सिंगल मॉड, अगर सर जी अगर सिंगल मॉड में एक और मॉड जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो तब क्या होगा? उसमें एक और मॉड मान लो घटा दिया जाए तो क्या होगा? एक मॉड जोड़ दे तो क्या होगा, या एक मॉड घटा दे तो क्या होगा? तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो अब हम सीखते हैं कि एक मॉड जोड़ देंगे, इसमें एक और मॉड जोड़ दिया, एक और मॉड घटा दिया, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम मॉडुलस इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक और ग्राफ बनाना सीखते हैं इसका, कि एक और इसमें हम क्या करते हैं आपका, और हम इसमें एक मॉड जोड़ते हैं और एक मॉड घटाते हैं। और देखो एक मॉड अपन जोड़ रहे हैं, अपन लोग एक मॉड घटा रहे हैं। जैसे आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1। देखो दो तरीके से मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, एक बहुत ही लेंदी तरीका, बहुत ही घटिया वाला, बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड, एक जो है कि शानदार सटीक तुरंत के तुरंत बनाऊंगा, एक जो है कि फटाफट वाला और एक लंबा चौड़ा घटिया वाला मेथड। जो लंबा चौड़ा मेथड घटिया वाला है उसको पहले देखते हैं, कि उसको पहले एक बार बोर तो कर ले, उसके बाद आसान तो ना होता ना, पहले आपको कोई थका दे फिर कोई बढ़िया से अचानक से कोई बढ़िया काम दे दे, यानी आपको पहले थोड़ा सा परेशान कर ले फिर हम देते हैं आपको चीजें। पहले यहाँ पे अंदर वाले को जीरो पुट करो, सबसे पहले अंदर वाले को जीरो पुट करो, जीरो पुट किया क्या आया? एक्स इक्वल टू माइनस 1। इसको अंदर वाले को जीरो पुट करो,
x इक्वल टू क्या आया प्लस वन। इसका मतलब कि पूरी नंबर लाइन जो सिस्टम है ये माइनस वन प्लस वन तीन पार्ट में बट गई, एक दो तीन, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हो गया, तीन पार्ट में बट गई। अब इसका मतलब हुआ कि जो y बराबर जो हम खोलेंगे इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे वो भी तीन पार्ट में बट के एक्सपेंड होगा। कैसे कैसे देखो यहाँ पे कैसे कैसे एक्सपेंड होगा, y इज इक्वल टू देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ले लो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, वन से बड़ा, इधर साइड का सारा एक ही रीजन है एक से बड़ा, उसमें ले लो तो एक से बड़ा लोगे तो एक से बड़ा में ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि देखो भाई देखो। अच्छा सर पता भी करना हो बार बार तो इतना इतना भी नहीं होगा कि हमारे पास इतना सोच पाए कि ये क्या है, तो एक काम करते हैं इसके लिए एक से बड़ी कोई भी अपनी पसंदीदा नंबर ले लेते हैं, एक से बड़ी कोई भी अपनी पसंदीदा नंबर ले लो, जैसे मान लो टू ले लिया, दो में से एक घटाओ अंदर में क्या आया दो में से एक वन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो वो वाला बन गया आपका पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव खुल गया प्लस में खुल गया वो प्लस में खुल गया। फिर आप इसको देखो इसमें भी टू रखो, जो इसमें रखो वही इसमें भी रखो, टू रखो इसमें टू रखा टू प्लस वन थ्री, फिर पॉजिटिव आया एक्स प्लस वन, वन से वन कट गया इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे टू एक्स, ठीक है। दूसरा रीजन है माइनस वन से वन, एक और रीजन है माइनस वन से वन, माइनस वन से वन में कोई सी भी वैल्यू रखो, जैसे मान लो माइनस वन से वन में फेवरेट वैल्यू बताओ अपनी कौन सी है, आपकी वैल्यू है माइनस वन से वन में जीरो, जीरो रखा, जीरो रखते ही जीरो प्लस वन जीरो, अंदर में प्लस आया था एक्स प्लस वन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस वन जैसे जीरो रखा तो ये हो गया देखो निगेटिव आया था माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, बोलो ये एक्स एक्स कट गया वन और प्लस वन मिलकर ये टू दे दिया। फिर एक तीसरा रीजन आया एक्स लेस देन माइनस वन, माइनस वन से छोटा कोई भी माइनस वन से छोटा नंबर लिखो, मान लो जैसे लाइक माइनस टू, माइनस टू प्लस वन निगेटिव आया मतलब माइनस कर दिया, फिर यहां माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री निगेटिव आया माइनस कर दिया, ठीक है। देखो ये माइनस वन या प्लस वन फिर से वन कट गया, यहाँ पे टू एक्स बच गया, यहाँ पे आपका माइनस टू एक्स बच गया। फिलहाल में आपके पास जो फंक्शन रेडी होके आ गया वो कुछ इस तरह टाइप का फंक्शन रेडी होके आ गया, देखो फंक्शन आपके पास रेडी होके आ गया वो कुछ इस टाइप का फंक्शन हो गया, वाई इज इक्वल टू टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन वन है, टू जब आपका माइनस वन से वन के बीच में है, और माइनस टू एक्स जब x की वैल्यू माइनस वन से छोटी है। अब इनका जरा ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस, ये तो मतलब ग्राफ बनाने के लिए किसी को कहे तो पहले वही खींचेगा, y इक्वल टू टू एक्स लाइन कैसी होती होगी बोलो। अच्छा कह रहा है कि अच्छा इसमें भी फिर बैरियर, बैरियर आपको खींचना जरूरी है कि बैरियर कौन सा है, कौन सी लाइन की जरूरत देखना है, तो x इक्वल टू वन है और x इक्वल टू माइनस वन है, x इक्वल टू वन वाली लाइन खींच दो और x इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन खींच दो। अब बताओ y इक्वल टू टू एक्स लाइन ऐसे जाती है क्या, ये जीरो है, यह x इक्वल टू वन है और यह x इक्वल टू माइनस वन है, क्या y इक्वल टू टू एक्स लाइन ऐसे जाती है क्या, बिल्कुल अरे y इक्वल टू x की तरह ही जाती है, थोड़ी सी ऊपर उड़ जाती है, तो ये है कोई y इक्वल टू टू एक्स की लाइन, बाकी इधर का हम पार्ट इसको डॉट 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 कर रहे हैं क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। ये टू वन पे वैल्यू ये दे दिया आपका y इक्वल टू टू एक्स है तो वन पे वैल्यू दे रहा है आपका टू, वन पे वैल्यू दे रहा है ये आपका टू, ठीक है। फिर कह रहा है माइनस वन से वन के बीच में टू, मतलब ये y इक्वल टू टू ये लाइन बन जाएगी क्या, बिल्कुल यही से देखो तो बोलो, देखो तो y इक्वल टू टू ये टू से ही स्टार्ट भी हो रहा था तो ये टू इसी से लगे सट के चला जाएगा, और जब माइनस वन से पीछे जाएगा तो माइनस टू एक्स बोलो स्लोप निगेटिव होने से क्या लाइन ऐसे हो जाती है क्या, बस देखो तो, देखो तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है क्या, ये बन गया। और अभी भी जा देखो तो x इक्वल टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू x इक्वल टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू स्टिल टू है तो ये बन गया। देखो ये ग्राफ जो मैं ये बना रहा हूँ बोल्ड वाला, यही ग्राफ इस पूरे का ओवरऑल ग्राफ बन गया, देखो तो सबने अपना बचपन जिया होगा, सबने अपने बचपन में सबने लगभग अगर आप गांव से बिलोंग करते तो ये जरूर है, गांव से नहीं बिलोंग करते हैं तो भी जानते होंगे किस्सा, देखे ही होंगे, नहीं तो कभी कुछ नहीं तो कुछ बोर्ड तो देखे होंगे, सिप तो देखे होंगे, क्या कुछ बोर्ड या सिप ऐसे ही दिखती है क्या, हमको लग रहा है कि जो बोट होती है, जो बोट होती है बोट मतलब नाव या बड़ी सिप जो होती है कुछ कुछ ऐसे ही दिखती है। तो ये देखो दो मिलके दो एक साथ दो मॉडुलस अगर प्लस में है तो ये मिलके कुछ बोट टाइप का ग्राफ बनाया है, कैसा ग्राफ बनाया है,
बोट ग्राफ ग्राफ बनाया है, कुछ बोट ग्राफ ऐसे, बोट ऐसे ही होती है, बोट मतलब नाव, बड़ी नाव ऐसे ही दिखती है। तो ये कुछ बोट ग्राफ बना है इसमें ये वाली। अच्छा, हर साइड का लिखना, नाम लिखना बहुत जरूरी है। जैसे इस साइड का नाम है -2x, इस साइड का नाम है -2x, y इक्वल टू 2 इसका नाम है और y इक्वल टू 2x इसका नाम है। सर हम तो इतना लंबा चौड़ा मेथड में आखिर में यही सारी बातें हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर सर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कछु कि हम डायरेक्ट ग्राफ बना लें? तो हो सकता है, देखो हम ऐसा कछु कर सकते हैं कि डायरेक्ट ग्राफ बना लिया जाए और हमारा काम हो जाए। देखो डायरेक्ट ग्राफ बनाना हो तो देखो यहाँ पे ये सब चीजें हटा देता हूँ, हम डायरेक्ट ग्राफ बनाने के बारे में सोचते हैं। इतना सम टाइम वेस्ट करके इतना निकालने के बजाय डायरेक्ट देखो कैसे ग्राफ बनता है, यहाँ पे आपके दिमाग का खेल है। देखो डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनाएंगे और डायरेक्ट ग्राफ बनाने से सारी बातें एनालाइज हो जाएगी, आपकी सारी चीजें एनालाइज हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले इस इन साइड वाले को जीरो करो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहां से आएगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस वन, यहां से आएगा आपका x इक्वल टू माइनस वन। इस इन साइड वाले को जीरो करो, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन। आप नंबर ये आप ग्राफ बनाने के लिए लेके चलो x एक्सिस y एक्सिस और x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू वन वाली लाइन खींचे। तो देखो मैंने खींच दिया x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू वन, ये दोनों लाइन मैंने खींच दिया। खींचने के बाद आपको पूरा पूरा जो है पूरा आपका जो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन है वो तीन पार्ट में बट गया, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। अब ऐसे मत बोलना कि सर 1 2 3 4 5 6 7 सर 8 पार्ट में बटा, झूठ बोल रहे हो। नहीं यार ऐसा नहीं है, कम से कम वर्टिकली तो तीन ही पार्ट में बटा है। ये तो वाई एक्सिस है, सिंबल है, एक सिंबॉलिक चीज है, ये तो है ही नहीं, ये तो रहता ही नहीं है अपने में, तो सिंबॉलिक है। कुल मिला के वर्टिकली तीन पार्ट में बट गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये पूरा बीच वाला और एक पार्ट ये, तीन पार्ट में पूरा बट गया। अब इन्हीं तीन पार्ट के बारे में सोचना है। सबसे राइट साइड मतलब एक से बड़ा, इधर जो होगा एरिया वो एक से बड़ा होगा, तो एक से बड़ा इसमें एक, 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 एक जो है कोई भी नंबर रख लो और वही यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो। एक से बड़ा कोई भी नंबर रखो, 2 रखेंगे, 2 + 1 = 3 पॉजिटिव आया तो ऐसे ही खोल दो। फिर यहाँ पे एक और 2 रखा, 2 + 2 + 1 मतलब 2 - 1 = 1 तो ये भी ऐसे पॉजिटिव है, ऐसे खोल दिया, एक से एक कट गया, y इक्वल टू क्या आ गया 2x। तो आप ये काम करें कि ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है तो कुछ कुछ इसका ग्राफ y इक्वल टू x की तरह बनेगा और y इक्वल टू x की तरह बनेगा तो ऐसे बन गया, आगे बनाना होगा। और ये वाली जगह बस आप नोट कर लेना कि ये y इक्वल टू 2 है, यानी ये 1, 2 पॉइंट है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। फिर आप इस बीच वाले में आओ, बीच वाले में कोई भी पसंदीदा नंबर रख लो, एक्स इक्वल टू 0 रखते ही ये 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये 1 तो पॉजिटिव हो गया अंदर में और यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे खुलेगा आपका एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, वहां एक्स एक्स कट गया, वाई इक्वल टू 2, मतलब ये 2 के पैरेलल एक वाई इक्वल टू 2 लाइन ये खींच दिया, ठीक है। अब तीसरा वाला आपका जैसे इधर में आया, आप यहाँ पे फिर से x इक्वल टू कुछ है, माइनस वन से छोटी नंबर रखो क्योंकि इधर पीछे में आ रहे हैं, छोटी नंबर रखो, जैसे मैंने माइनस टू रखा था, माइनस टू प्लस वन निगेटिव आया तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, इस बार भी रखा माइनस एक्स प्लस वन आपका सॉरी क्या हो गया, हाँ यहाँ पे निगेटिव आया तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, यहाँ इसके पहले माइनस लगाया तो वन से वन कट गया, वन से वन कट गया, वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स, और y इक्वल टू माइनस टू एक्स कुछ y इक्वल टू एक्स की तरह ही लाइन बनता है और ये पीछे जाएगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ से ही स्टार्ट होगा, इसके लिए पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वन वाली ये जगह है तो x इक्वल टू माइनस वन रखो, ये दिया 2, ये y इक्वल टू 2 लाइन जहां खत्म हो रही है वही शुरू होगा और ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब देखो सब कुछ आपको जितना वो सारी बातें लिखी गई है सब आपके सामने है कि 1 से आगे पे 2x है, 0 से माइनस 1 से 1 पे 2 है और माइनस 1 से पीछे आपका माइनस 2x है। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ही हम जरा सा और आपका आपके सामने और भी सवाल रख रहे हैं और हम डायरेक्ट ही बनाएंगे, हम ऐसे हम इतना पूरा फंक्शन को ओपन करके करने के बजाय हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे मॉडुलस का। देखो कैसे हम डायरेक्ट ग्राफ बना रहे हैं, देखो अगला अगर हम सोचे कि कोई कहे कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है।
अभी मैं बस इतना ही ले रहा हूँ x माइनस वन। तो क्या करेंगे डायरेक्ट ग्राफ बनाने के लिए, पहले तो हम x एक्सिस और y एक्सिस देखो खींच लेंगे ईमानदारी से, x एक्सिस और y एक्सिस हम खींच लेंगे। सबसे पहले हम इसको जीरो करेंगे, x माइनस टू बराबर जीरो मतलब x बराबर टू ये मिला, इसको जीरो किया x बराबर डायरेक्ट जीरो मिल गया, इसको जीरो किया x माइनस वन बराबर जीरो मतलब x बराबर वन, ये तीन पार्ट अपने को मिल गया। यानी एक x बराबर जीरो वाली लाइन खींचना पड़ेगा, देखो मैं अलग चौक का यूज कर रहा हूँ, ये x इक्वल टू जीरो वाली लाइन यही होती है, y एक्सिस को ही x इक्वल टू जीरो कहते हैं, ये x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x इक्वल टू वन वाली लाइन खींचनी है तो यहाँ पे मैंने खींचा x इक्वल टू वन वाली लाइन देखो, और यहाँ पे मैंने खींचा x इक्वल टू टू वाली लाइन देखो, यहाँ पे मैंने खींचा x इक्वल टू टू वाली लाइन यहाँ कहीं खींचा, मैंने तीन ले लिया है, दो ही नहीं तीन ले लिया है इस बार। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो दो से इधर रीजन में ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले दो से बड़ी कोई सी नंबर ले लो, दो से बड़ी नंबर लेंगे तीन, थ्री माइनस टू पॉजिटिव, एक खुल गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू पॉजिटिव, फिर ये तीन रखा पॉजिटिव, फिर ये भी तीन रखा, हम तो रख के बस ये चेक कर रहे कि अंदर में नेगेटिव की पॉजिटिव, रखना तो फंक्शन ही है, वैल्यू में नहीं रखना है, पॉजिटिव फिर यहाँ पे रखा हमने, ये भी पॉजिटिव, तो x माइनस वन देखो वन और ये कितना हो गया, y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री, y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री, तो थ्री एक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये कुछ आपका थ्री है तो माइनस थ्री है तो ये कुछ नीचे माइनस थ्री पे कट करेगा क्योंकि y इंटरसेप्ट, अरे देखो ना बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का बन रहा है, मतलब ये स्लोप हो गया और ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट माइनस थ्री मतलब कहीं नीचे है, और टू पे कहां पे कट करेगा तो सिक्स माइनस थ्री, बोलो टू पे इस पे क्योंकि इससे आगे बढ़ाना है तो टू पे कितना कहां कट करेगा ये, तो सिक्स माइनस थ्री थ्री पे, तो इसकी वैल्यू थ्री रहेगी टू पे कहीं, यहां से स्टार्ट होगा मतलब यहां से स्टार्ट होगा कुछ ऐसे चला जाएगा, बोलो देखो यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, ऐसे चला गया ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया इसका वाला y इक्वल टू, अब आपको वन से टू के बीच में कोई सी भी एक नंबर रखो, मान लो डेढ़ रखते हो, क्या रखते हो आप डेढ़, तो डेढ़ के लिए देखो मुझे तो थोड़ा इधर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी कमी है, तो यहाँ पे मैं इस पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, डेढ़ रखा मतलब 3.5 रखा, 3.5 में से इसमें से 3.5 में से 1.5 में से तो डेढ़ में से दो निकाला, माइनस आया मतलब माइनस एक्स प्लस टू, अरे पहले माइनस लग जाएगा तो माइनस एक्स प्लस टू, फिर ये देखो 1.5 रखा ये आपका पॉजिटिव आया प्लस एक्स, 1.5 रखा ये आपका निगेटिव आया यानी पॉजिटिव ही आया 1.5, तो एक्स माइनस वन, एक एक्स एक्स कट गया, वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वन, देखो एक्स प्लस वन, अब यहाँ पे लाइन बनाना एक्स प्लस वन, ये स्लोप 3x थोड़ा ऊपर है तो जो 2x होगा वो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लाइन ऐसे जाएगी, जो जो इसका स्लोप x है तो ये थोड़ा सा एंगल चेंज करेगा और x इक्वल टू वन पे वैल्यू इसकी 2, तो कहीं ये आपका ये वाला पॉइंट आपका 3.3 था तो यहाँ पे ना ये 2.3 था तो यहाँ पे कहीं वैल्यू ये 2.3 के बजाय, अब ये देखो x इक्वल टू वन पे 2 मतलब थोड़ा सा नीचे यहाँ से कुछ कट करते जाएगा तो ऐसे बन जाएगा ये, यहाँ पे ऐसे देखो 2 पे अभी भी 3 है मतलब यहीं से स्टार्ट होगा और यहाँ आया। अब जरा और पीछे आते हैं, इस वाले पोर्शन में आते हैं 0 से 1 वाले में, बताओ 0 से 1 वाले में के लिए कोई भी वैल्यू 0 से 1 में कोई सा रखो अपने आप ने, तो 0 से 1 में कुछ रखा 0.5 आधा रखा, आधा रखेंगे इस वाले रेंज के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो इस वाले के लिए इस वाले रीजन के लिए, अब आधा रखेंगे तो आधा में से दो जाएगा निगेटिव हो जाएगा मतलब माइनस एक्स माइनस टू प्लस, आधा रखा तो ये पॉजिटिव आया तो ये एक्स, और उधर आधा रखा तो इधर आपको पॉजिटिव निगेटिव आ गया तो एक्स माइनस वन, यहां हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, एक एक्स से एक्स कट गया वाई इक्वल टू हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री, मतलब वन पे वैल्यू अभी भी ये टू दे रहा है, ये 1.2 है अभी भी ये वन पे वैल्यू टू दे रहा है लेकिन जीरो पे वैल्यू थ्री हो गया मतलब ऊपर चढ़ गया इसके बराबर हो गया, ये कुछ ऊपर चढ़ गया जीरो पे वैल्यू इसकी थ्री हो गई तो यहां से कुछ ये फिर से वापस ऐसे आ गया, ऐसे आ गया ठीक है, ये वापस कुछ ऐसे आया यहाँ पे तीन पे पहुंचना है इसको, ये वापस कुछ ऐसे आया ठीक है बच्चों, देखो ऐसे आ गया। अब फिर आप तीन से जीरो से पीछे आओ तो इस वाले रीजन के लिए, जीरो से पीछे वाले रीजन के लिए क्या करो, कोई सी भी वैल्यू रख दो ना यार, निगेटिव रखो माइनस वन रखो, माइनस माइनस निगेटिव 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 सब निगेटिव हो गया, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, यानी ये अभी एक्स इक्वल टू जीरो पे अभी भी ये स्टिल
तीन पे कट कर रहा है और आपका यहां से तीन पे कट कर रहा है और ये थोड़ा सा इसका मतलब ये आपका ये वाली साइड कौन सी थी, ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन थी, ये वाली साइड कौन सी थी माइनस एक्स प्लस थ्री थी, सॉरी माइनस एक्स प्लस थ्री थी, ये वाली साइड है वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन है, यहां थोड़ी सी ये और ऊपर निकल जाएगी, थोड़ा सा और स्ट्रिप ज्यादा ले लेगी, ये वाली वैल्यू हो गई वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। एक बात आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल सा, देखो ध्यान से देखना, जैसा ये है ना सबसे राइट वाला वैसा ही सबसे लेफ्ट वाला है, दोनों में बस एक माइनस का अंतर है, इधर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो उधर आ जाएगा, उधर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इधर वाला आ जाएगा। मतलब ये सबसे खास बात है कि सबसे राइट साइड में और सबसे लेफ्ट वाला सबसे, मतलब ये देखो यहां भी था ऐसा, यहां पे प्लस टू एक्स था, यहां पे देखो सबसे राइट वाला प्लस टू एक्स था और यहाँ पे सबसे लेफ्ट वाला माइनस टू एक्स था, मतलब एक माइनस का अंतर राइट और लेफ्ट वाला। सेम हालत है यहाँ पे, सबसे राइट और सबसे लेफ्ट, मतलब और भी अच्छी बात यह है कि अगर सबसे राइट वाला हमको पता चल गया है, मेहनत करके हमने निकाल लिया है, तो सबसे लेफ्ट वाले को हम फटाफट माइनस अपना माइनस उसी में माइनस मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। हाँ समझ में आई कि राइट और लेफ्ट में सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी इन बीच को हमको निकालना पड़ेगा। क्या स्टील एक बोट की तरह ही है, ये ऐसी बोट हो गई जो ऐसे तो ऊपर से है ही नीचे से भी ऐसी वाली, जो एकदम बिल्कुल रियल बोट होती है, मतलब जो आज की छोटी नाव होती है ना वो ऐसी होती है कि नीचे से ऐसे होती है और फिर ऐसे निकल जाती है, तो ये वाली भी बोट ही है, अगेन भी ये बोट है, मतलब तीन मॉडल्स को भी जोड़ेंगे तो एक तरह का बोट ही बनेगा, तो इसको भी बोट ग्राफ ही बोलते हैं। अरे बात समझ में, तो हमको इस नाम से कोई मतलब नहीं है, हमको ध्यान बस ये रखना है, क्या ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान ये रखना है कि भाई जहां पे इसका डायरेक्ट हम ग्राफ बनाएंगे सब कुछ नाम वगैरह सब लिख देंगे, कैसे कि पहले सबसे पहले जहां इन साइड वाला जीरो होगा उसको हम लिखते जाएंगे और उसी के हिसाब से फिर हम बैरियर यानी एक्स 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 वाली लाइन खींचेंगे और फिर हम उसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं, तो अगला सवाल मैं दे रहा हूं, अगला सवाल है लाइक मान लो कि आपके सामने ये y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखो मैं इसमें बदल लागे, 2x माइनस वन प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन, तो ये तीन आया, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, तो बिल्कुल सब कुछ वैसे ही, हमको बिल्कुल नया, बल्कि थोड़ा सा मैं इस बार ना ये हटा देता हूँ, ये तीन के बजाय दो ही लगाता हूँ, x माइनस वन दो ही रह देता हूँ, तो क्या करेंगे, या इसको एक हाँ x माइनस वन दो ही रह देता हूँ, तो इसको सबसे पहले इन साइड वाले को जीरो पुट करो, फटाफट इन साइड वाले को जीरो पुट करो, जीरो पुट किया तो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन बाय टू आ गया, यहाँ से x माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट किया तो x इक्वल टू वन आया, फटाफट नंबर लाइन खींचा, क्या खींचा, नंबर लाइन खींचा वो x एक्सिस y एक्सिस खींचा, एक x इक्वल टू वन बाय टू खींचा और एक x इक्वल टू वन खींचा, क्या खींचा, x इक्वल टू वन खींचा, उसके बाद से वन से बाहर वन बाय टू से वन और माइनस वन से वन बाय टू से पीछे, जरा बोलो वन बाय टू से वन बाय टू से आपका वन से आगे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये y इज इक्वल टू वन से बड़ी कोई भी नंबर रखो, दो चार माइनस एक तीन पॉजिटिव आया, एज इट इज खुल गया, फिर अब यहाँ पे दो एक टू प्लस टू माइनस वन प्लस हो गया तो ये भी आया x माइनस वन, y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, थ्री एक्स माइनस टू तो x इक्वल टू वन पे इसकी एक्चुअल वैल्यू वन होगी, x इक्वल टू वन रख के देखो कहां कितना वैल्यू होगी वन, तो ये वन कमा वन से पास होगा, देखो थ्री माइनस टू वन और थ्री एक्स का कुछ लाइन ऐसे बनता है, देखो ऐसे खींच लिया ऐसे, फिर वन बाय टू से वन में कोई एक वैल्यू रख के देखो, वन बाय टू से वन में देखो मैं यहां रख रहा हूं नीचे में, वन बाय टू से वन में को क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, ये आधा से एक में क्या रखा जाए, तो थ्री बाय फोर मतलब पौने एक रखा जाए, पौने एक रखो तो थ्री बाई फोर रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहां देखो ये थोड़ा सा अपना काम बन बन काम करना पड़ेगा, देखो टू इंटू थ्री बाई फोर माइनस वन प्लस थ्री बाई फोर माइनस वन, ये तो निगेटिव होगा, ये देखो आपको कितना हो रहा है,
ये 3/2 - 1 ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, मतलब ये वाला आपका खुला y इक्वल टू 2x - 1 - x + 1, 1 से 1 कट गया, y इक्वल टू हो गया 2x में से x गया, सिर्फ x बच गया, और x 1 पे 1 देता है और आपका 1/2 पे 1/2 देता है, तो कुछ ये ऐसे लाइन बन गई, कुछ ये ऐसे लाइन बन गई यहाँ पे, कुछ मतलब बिल्कुल 1 के बजाय 1/2, मतलब ये 1/2 - 1/2, ठीक है बच्चों। देखो ये आपका 1 है, जैसे ही हम फिर आपका 1/2 से पीछे वाला जगह जो देखेंगे, 1/2 से पीछे वाला जगह देखेंगे तो क्या दे देगा, क्या दे देगा बताओ, क्या दे देगा 1/2 से पीछे वाला, कोई भी जीरो रख दो ना यार, निगेटिव निगेटिव दोनों निगेटिव हो गया, y इक्वल टू -2x और निगेटिव, एक माइनस पहले लगाया तो प्लस हो गया, ये भी एक माइनस पहले लगाया तो ये प्लस हो गया, और ये 1 1 मिलके 1 हो गया। मैंने बोला था कि इसी का निगेटिव आएगा, देखो आया आया, और x इक्वल टू 1/2 पे 1/2 पे वैल्यू देखो -3/2 प्लस 2, x इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू कितना देगा -3/2 + 2, क्या इतना दिया, देखो ये आपका 4 और में से निकलेगा 3 प्लस 1/2, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा और ये भी कुछ ऐसे ऊपर के साइड में निकल जाएगा, देखो ऐसे बोलो, बात समझ में आई, ये कुछ ऐसे स्टार्ट हो गया और ऐसे निकल गया ऐसे, तो ये आपका ग्राफ बन गया फिर से, किसका ग्राफ बन गया ये, अब ये वाली साइड आपकी जो आई थी ये आई थी -3x + 2। अब कोई कहेगा सर आप इनको बिल्कुल अच्छे से लिख के दिखाओ, उनको लिख के दिखाना होगा, देखो लिख सकते हैं, एक से बड़ा एक रीजन है इक्वल टू यहां लगा दिया, एक 1/2 से 1 है, देखो एक 1/2 से 1 है और एक क्या है 1/2 से पीछे है, तो वह एक से बड़ा वाले में क्या आया यहाँ पे 3x - 2, इस वाले में क्या आया है सिर्फ x आया है, और इस वाले में क्या आया है तो -3x + 2, डायरेक्ट लिख लिया, ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तो ये आप जैसे भी आएंगे, जितने भी इस तरीके से आएंगे उनका आप ग्राफ बना सकते हो। सर जी ये तो हमारा रहा प्लस वाला, अगर मान लो बीच में हमने माइनस लगा दिया तो ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, अगर बीच में ये प्लस के बजाय यहाँ प्लस न होकर क्या हो माइनस, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो माइनस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फटाफट नोट कर ले तो मैं आगे बढ़ जाऊं, कि माइनस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आओ अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका कि फर्क नहीं पड़ता है वो कैसे, जैसे मान लो लिखो x - 1 + x - 1 - x - 1 x + 1, हमसे कोई कहा इसका ग्राफ बनाना है, हम कहें कोई बात नहीं, अभी भी हम देखो हमने एक तरीका पा गए हैं कि सबसे पहले हम फटाफट x एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ बना के हम पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं, ये वाला 0 हुआ x = 1 पे और ये वाला 0 हुआ x = -1 पे, तो x = 1 वाली लाइन खींच दिया और एक लाइन x = -1 वाले खींच दिया, देखो बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, इतने दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, एक 1 से पहले इसमें नंबर रखा पॉजिटिव आया, मतलब 1 से बड़ा रखा 2 रखा पॉजिटिव आया x - 1, फिर 2 रखा इसमें भी पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव होने की वजह से ऐसे ही खुल गया x + 1, ये x कट गया, y = -2, देखो तो बच्चों क्या आ गया y = -2, देखो x - 1 - 2 कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको नीचे खींचना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा, ग्राफ बनाना होगा तो नीचे खींचना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, -2। अब इनके बीच में कोई रखा, क्या रखा हमने 0 रखा, ये निगेटिव आया, मतलब आपका -x - 1, यहां पर रखा पॉजिटिव आया तो ये आपका माइनस ही रहेगा x + 1, तो ये जरा देखो तो क्या हुआ -x - x - 2x और ये +1 और ये -1 कट गया, ये y = -2x बचा, देखो ध्यान से, तो बच्चों -x + 1 - x - 1, 1 से 1 कट गया, -2x बच गया, अब -2x जरा देखो तो y = -2 वाली लाइन इधर में कुछ यहां थी, y = -2 वाली लाइन कुछ ये निगेटिव से आएगी -2 पे, ये है 1, -2। अच्छा अब जरा देखो, जब ये y = 2x क्या y = 2x 0 से पास होते हुए कुछ y = -2x वाली लाइन कुछ ऐसे बनेगी क्या, देखो 1 पे -2 देगा और -1 पे +2 देगा, ये वाली जगह आपकी +2 हो गई, तो इतना रहा। अब जरा पीछे में आओ, इधर में जरा चेक करते हैं, इधर में जरा एक -1 से पीछे -2 रखो, निगेटिव दिया -x - 1, अब पीछे दिया निगेटिव आया, निगेटिव पॉजिटिव x + 1, x कट गया, 1 - 1 1 + 2, ये वैल्यू आ गया +2,
टू, देखो y इक्वल टू प्लस टू का ग्राफ ऐसे बन गया क्या? अरे देखो तो, अरे ये स्लोप आ गया जी, स्लोप आ गया ऐसे वाला, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया ऐसे ऐसे चला गया, दिख रहा है क्या? ऐसे इसका हमें नाम नहीं पता, कुछ ऐसा बोट उठवा की तरह हमने नाम नहीं जानते, लेकिन कुछ ये ग्राफ बन गया ये, या तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा या तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, या जनरली मतलब ऐसे 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 बनेगा, मतलब मैंने इसलिए पर्टिकुलर नहीं खींचा कि ओरिजिन से जरूरी नहीं की जाए, कहीं से भी जाए जरूरी नहीं कि इसी से कट करे, तो ऐसे ग्राफ कोई या तो इस तरह का बनेगा या तो इस तरह का बनेगा, मतलब ये शेप लेते हुए ऐसे जाएगा। अगर माइनस रहा, सर जी इस बार कितने माइनस थे, कितने मॉडुलस का घटा हुआ था? अच्छा सर जी एक और बात आप बता दो कि सर ऐसे ही इसको भी लिख के दिखा दो, कि ऐसे ही इसको भी ऐसे ही लिख दो कि आप फंक्शन को अलग अलग लिख दो, तो कैसे लिखेंगे? एक एक से बड़ा वाला रीजन, एक रीजन माइनस वन से प्लस वन के बीच में, और एक रीजन माइनस वन से छोटा। जो एक से बड़ा वाला में आया है यहां पे आया है माइनस टू, यहां पे आया है आपका माइनस टू एक्स, और यहां पे आया है टू, देखो लिख दिया गया। और वैसे भी उतना सब मेहनत करके ये सब लगाते तो यही वाली बात आती, बात समझ में आ रहा है? तो इन मॉडुलस को ग्राफ से आपको देखना बेहद इजी होता है, या डायरेक्ट भी देखना हो तो आप जहां इनसाइड वाला जीरो हो रहा है उससे आप नंबर लाइन को बांट लो और फिर सारा सब फटाफट सॉल्व कर लो। तो हम साथ साथ आपको दोनों चीज बता दिए, ग्राफ और आपका इसके इसको एक्सपेंड करना। लेकिन सर जी अभी तो आपने दो के लिए बताया, मान लो तीन होता तो कैसे ग्राफ बनता? अब देखो मैं इसमें तीन एक और ऐड करने जा रहा हूं, और जो तीसरा ऐड कर रहा हूं वो मैंने कुछ ऐड किया, एक और माइनस लगाया और ये एक्स माइनस टू यहां पे लग जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक्स माइनस टू। अब यहां पे सब कुछ आप कहोगे कि सर जी अब तो हम इसका तरीका पा ही गए हैं, यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू टू, देखो ये तीन बन गया। इस बार नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस फिर से खींचेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, ये हो गया जीरो, x इक्वल टू वन कोई जगह ये हो गई, x इक्वल टू टू कोई जगह ये हो गई, x इक्वल टू माइनस वन कोई जगह ये हो गई, x इक्वल टू ये माइनस वन है, ये x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू वन है, x इक्वल टू टू है, ठीक है। अब अपने पास बन गया तो बस अपने को क्या लिखना है, आर्म्स, इसको भुजा को लिखना है और भुजा खींचना है, सभी रीजन्स में अलग अलग पार्ट इसका लिखना है और अलग अलग पार्ट खींचना है। देखो फटाफट अपन लोग खींचेंगे, दिक्कत नहीं आएगा इसमें। देखो दो से बड़ा, दो से बड़ा कोई सी नंबर रखो तीन, दो से बड़ा कोई सी नंबर रखो तीन, पहले वाला में पॉजिटिव आया वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, वह भी पॉजिटिव आया एक्स प्लस वन, अगले वाला ये भी पॉजिटिव आया एक्स माइनस टू, ये क्या हो गया एक एक्स से एक्स कट गया, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, और माइनस माइनस से प्लस टू हो गया, ये देखो इससे कट गया, वाई इज इक्वल टू सेव दिया माइनस एक्स बच गया, और माइनस एक्स का ग्राफ आप जानते हो वैसे कुछ उल्टा जाता है, टू पे वैल्यू माइनस टू हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ माइनस एक्स का ग्राफ यहाँ माइनस टू से कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, देखो ऐसे 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 कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे ये ग्राफ बन गया, ये माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है ये, देखो ऐसे आएगा वाई इक्वल टू जीरो से ऐसे ऐसे माइनस एक्स तक चला गया ये। अब आपका दूसरा रीजन यानी ये इस वाले में आया, इसकी जगह पे वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यहां पे फिर से सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड है तो फर्स्ट वाले के लिए, इस फर्स्ट रीजन के लिए हो गया, सेकेंड रीजन के लिए अगर मुझे खींचना होगा तो क्या करूंगा, तो एक से लेकर दो के बीच में कोई सी नंबर लिखो डेढ़, डेढ़ नंबर अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यही पूछ, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इधर ही पे लिख रहा हूँ, डेढ़ नंबर रखेंगे तो पहला वाला डेढ़ में से एक जाएगा पॉजिटिव, डेढ़ में से एक जोड़ेंगे पॉजिटिव, डेढ़ में से दो जाएगा निगेटिव, मतलब पहला पॉजिटिव तो ऐसे ही खुला, दूसरा भी पॉजिटिव ऐसे खुला, लेकिन ये आपका एक माइनस के साथ खुला, देखो एक माइनस दोनों मिलके प्लस, ठीक है। अच्छा एक्स में से एक्स फिर से कट गया माइनस वन माइनस टू, माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, और ये माइनस टू माइनस फोर हो गया, प्लस एक्स ये हो गया एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर। अब जरा देखो एक्स माइनस फोर टू पे माइनस टू देगा, वन पे कितना देगा बच्चों, वन पे देगा माइनस थ्री, मतलब ये तो थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे ये आपका माइनस टू है, ये आपका टू कामा माइनस टू है, और वन पे दे दिया माइनस थ्री, मतलब कुछ नीचे आया, ऐसे आया ऐसे, देखो ऐसे आया ऐसे, ये टू के बाद ये आपका टू कामा माइनस थ्री, हमें लगता है और नीचे जाएगा क्या ये।
और आपका जरा इसमें रखो, इस वाले में थर्ड वाले रीजन में, ये रीजन वन था, ये रीजन टू था, ये रीजन थ्री है, ये रीजन फोर है, और नहीं सॉरी ये दोनों एक ही है रीजन, ये तीन है और ये रीजन फोर है। रीजन तीन वाला रखो, तीन वाले के लिए तीन वाला कौन सा है, जीरो रख दो, जीरो माइनस वन से वन के बीच में जीरो रख दो। जीरो रखते ही पहला नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आया पहला, तो आपका वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस हाफ एक्स माइनस वन, माइनस हाफ एक्स प्लस वन, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस टू, एक एक्स से एक्स तो कट गया, और ये प्लस और ये माइनस, देखो ये प्लस वन और ये माइनस वन, एक वन से वन कट गया, माइनस एक्स बच गया और माइनस टू बच गया, वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू। अभी भी एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, तो देखो x इक्वल टू वन पे अभी भी स्टिल है, x इक्वल टू वन पे तो ये आपका माइनस थ्री है, लेकिन जीरो पे आपका माइनस टू मतलब ऊपर आने लगा, और माइनस वन पे माइनस वन प्लस वन, माइनस वन पे माइनस वन आया, मतलब कहीं यहाँ यहाँ उल्टा आया, ऐसे आ गया, ऐसे देख लो, देख रहे हो ये कुछ ऐसे आ गया, ये वाली जगह आपके माइनस टू और ये वाली जगह आपकी माइनस वन कामा माइनस वन है। अब इसके पीछे चौथे वाले रीजन के लिए रख दो कोई सा, जो वो है उसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू प्लस एक्स, और प्लस एक्स का मतलब ऐसे वाली, ये वाली लाइन देखो, ये वाला प्लस एक्स होता है वाई इक्वल टू, तो ये चला जाएगा वाई इक्वल टू प्लस एक्स। देख रहे हो कैसे ग्राफ खींच दिया हमने, ये इधर वाला आप सॉल्व करके देखना, वाई इक्वल टू प्लस एक्स आएगा सबसे, जो पहले उसका और आखिरी वाला एक दूसरे के पास माइनस का फर्क होता है, तो ये पूरा बना, बात समझ में आ रहा है। दो माइनस लगा लो, तीन माइनस लगा लो, चार माइनस लगा लो, लिखना होगा तो सबको एक बार वैसा लिख देते हैं, कैसे वाला आप जरा देखो, उस तरह से हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको पूरा डिफाइंड वे में इस फंक्शन को एक्सप्रेस कर देते हैं। देखो कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू दो से बड़ा होने पे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू होने पे माइनस एक्स है, माइनस दो, एक से लेके दो के बीच में, एक से लेके दो के बीच में क्या है, ये वाली लाइन क्या थी, मैं तो भूल ही गया, ये था y इक्वल टू माइनस एक्स, ये था y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, ये आया माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स माइनस टू, और इसमें मैं भूल गया क्या था, ए क्या था यहाँ पे, माइनस वन पे वन आया था, तो क्या था यहाँ पे, शायद कुछ और था, टू एक्स माइनस टू था, क्या था इसको, ये वाला मैं गलत दिखाऊं, ये आया है आपका यहाँ पे था y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ पे क्या था भाई, निकाल लेना, देखो मैं भूल गया कि क्या आया था, मैं दोबारा निकाल लेना, पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या, जीरो से बड़ा नहीं, माइनस वन से बड़ा और दो से छोटा, माइनस वन से बड़ा और वन से छोटे वाले पे माइनस एक्स माइनस टू आया था, और इस वाले को चला ढूंढ लो यार, इस वाले को क्या आया था, x माइनस टू आया था क्या, हाँ ये शायद x माइनस टू आया था, या x माइनस फोर आया था, x माइनस फोर आया था, यहाँ पे x माइनस फोर आया था, तो यहाँ पे हो गया x माइनस फोर, और ये आपका सबसे आखिरी वाला x लेस देन माइनस वन, माइनस वन से छोटे होने पे जो ये उसका बस अपोजिट प्लस x, तो एक्सप्रेस भी कर दिया गया, अरे बात समझ में, तो चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, जितने मर्जी उतने मॉड लगाओ, एक्सप्रेस करो, ग्राफ बनाओ। अब अभी हम मॉड का ग्राफ पढ़ रहे थे, अब मैं इसके बाद इससे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा, इसमें 2x 3x सब आप डाल के किसी भी तरह के एग्जांपल्स को कर लेते हो, कर सकते हो, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका, इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी पे, कि अब मॉडुलस की इनइक्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे होती है, और मॉडुलस इनइक्वालिटी डिसाइड करते हैं, और लिखते हैं अब, तो अब हमको बात करनी है मॉडुलस इनइक्वालिटी पर, किस पे, मॉडुलस इनइक्वालिटी पे, तो यहां से हमारा बेसिक हो जाएगा इनइक्वालिटी। अब जरा मॉडुलस की इनइक्वालिटी, हमने तीन लेक्चर मॉडुलस के फंक्शन को समझने में, ओपन करने में, एक्सपेंड करने में लगाया है, अब इनइक्वालिटी पर लगाएंगे, इसके बाद एक लेक्चर बस हम लगाएंगे, मे भी शायद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी तो मैंने करा दिया है, एक लेक्चर लगाएंगे हम थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, हल्का सा उसके बारे में, ज्यादा नहीं, हल्का सा उसके बारे में जानकारी देंगे, फिर हम अगले चैप्टर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉडुलस इनइक्वालिटी, अब आज इनइक्वालिटी पे बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले, देखो मैं सवाल से स्टार्ट करता हूं, मैं थ्योरी भी दूंगा आपको, लेकिन पहले थोड़ा सवाल से स्टार्ट करते हैं।
एक बात ध्यान रखना, मॉडुलस का एक सोल्यूशन होता है स्क्वायर कर देना, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है मॉडुलस। तो अगर मुझे ये चाहिए तो आपका अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो मॉडुलस का एक सोल्यूशन होता है स्क्वायर करना, मतलब क्या कर देना होता है, स्क्वायरिंग कर देना होता है। अब मैं आपसे आपके सामने जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिखा कि लिखा हुआ है कि मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू टू, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताओ, फाइंड एक्स बताओ, एकदम बिल्कुल बेसिक सा सवाल लिया हो। तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 लिया तो सेटिस्फाई किया, एक्स की वैल्यू 1.9 लिया तो भी सेटिस्फाई किया, एक्स की वैल्यू 1.8 लिया, एक्स की वैल्यू 0 लिया सब सेटिस्फाई किया, एक्स की वैल्यू -1 लिया तो किया या नहीं किया बताओ। माइनस लिया मॉडुलस पॉजिटिव कर दिया सेटिस्फाई किया। सर एक्स की वैल्यू -1.4 लिया तो भी किया, क्योंकि ये आप देखो -1.4 +1.4 सेटिस्फाई अभी छोटा है। लेकिन सर क्या x इक्वल टू -2 पे सेटिस्फाई करेगा, -2 हाँ तो +2 लेस देन आर इक्वल टू किया। x इक्वल टू सर -3 बताओ, x इक्वल टू -3 किया कि नहीं किया, नहीं किया। -3 पे ये माइनस पॉजिटिव हो गया, ये मना कर दिया। सर x इक्वल टू -2.5 ये भी मना कर दिया। आगे बात समझ में, तो सर हमको कैसे, मॉडुलस है तो हम कैसे पता करेंगे, या तो आप कोई फार्मूला दे दो या तो कोई तरीका बता दो, या तो कोई फार्मूला दे दो या कोई तरीका बता दो। देखो फार्मूला तो देंगे, फार्मूला भी देंगे, पहले तो तरीका जान जाते हैं। अगर इसको निकालना होगा तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव अगर नंबर्स हैं तो फिर इसके स्क्वायरिंग करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा। दोनों तरफ नेगेटिव है, साइन ऑफ स्क्वायरिंग करने से साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो स्क्वायरिंग करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे मॉड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 को इधर लिया है, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स -2 एक्स प्लस टू लेस देन आर इक्वल टू 0, क्या आया अब ना एक्स इक्वल टू, यहाँ से इस ब्रैकेट का वही एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ से एक्स इक्वल टू -2, नंबर लाइन खींचा -2 +2 +-+, ये आपका देखो लेस देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब आपका ये -2 से 2 तो एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू -2 से +2। बात समझ में आई, ये क्लोज इंटरवल -2 से +2, ये आपका हो गया एक तरीका जिसमें से कि ये आपका है। तो सर क्या सबकी हर किसी को सॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे मान लो कि आपके सामने है मॉड एक्स माइनस मॉड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मान लो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2√2 है, तो क्या सर ये भी हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्या करेंगे, होल स्क्वायरिंग कर देंगे, होल स्क्वायर 2√2 के बजाय मैं 3 कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करते ही ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये काम कर लेते हैं। सबसे अच्छा है कि इसको एक्सपेंड करने के बजाय 3 का स्क्वायर इधर भेज लेते हैं, और यहां से फिर से हम क्या करें कि यहां से क्या कर लिया जाए, यहां से कर लिया जाए कि ये a माइनस बी और a प्लस बी, देखो a माइनस बी और a प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आया 2x माइनस 4 और ये आया 2x माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2 कॉमन हो गया, 2 यहां से कॉमन हुआ, 2 यहां से कॉमन हुआ, टोटल कॉमन हुआ 4, ये बचा x माइनस 2 और ये बचा x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये 4 उधर जाके 0 बना दिया, बना है बचा x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये 4 जाके 0 बनेगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। यहां से x इक्वल टू 2 आया, यहां से x इक्वल टू -1 आया, नंबर लाइन खींचा सर जी, यहां पे -2 यहां पे 2 +-+, आपका पॉजिटिव वाला चाहिए, क्या आंसर दिया, माइनस इनफाइनाइट से इक्वल टू भी लगा है तो माइनस इनफाइनाइट से -1 2 से इनफाइनाइट, क्या आंसर आया, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका फाइनली इतना आपका आंसर आ गया। इतना के बाद तो क्या सर जी हर बार इतना मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी, पहली बात है इतना हर बार मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि आप एक चीज देख रहे हो इस सवाल में भी और इस सवाल में भी, देखो दूसरा जो तरीका और दिखाता हूं, कहा है x इक्वल टू 2 है, आंसर क्या है -2 से 2, मतलब लेस देन है यहाँ पे, तो आंसर क्या आया है x इन बिटवीन -2 से 2, क्या यही आंसर आया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आंसर आया है सर जी, माइनस इनफाइनाइट से -2 से इनफाइनाइट। अगर थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं कि अगर ये सवाल ऐसे ना होकर, देखो ये सवाल ये हो रहा होता
कि मॉड 2x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 3, तो क्या आंसर आता? तो जो यहाँ पे रह गया है वो लेस देन वाले में चला जाता, नेगेटिव वाला में होता क्या? माइनस 1 से 2, क्या आंसर होता है इसका? माइनस 1 से 2। मतलब कि सर जी कैसे दूसरे तरीके से देखो, सेकेंड मेथड देखो कि क्या ये भी ऐसे दिख रहा है क्या, कि ऐसा ही दिख रहा है क्या कि 2x माइनस 1 को जैसे वो माइनस 2 से प्लस 2 था वैसे ही ये माइनस 3 से प्लस 3 के बीच है, माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में, यानी ये जरा एक दोनों तरफ जोड़ दो तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 1। यहाँ पे माइनस 2 बचा, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे 4 बचा, सब में 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस एक्स माइनस 1 एक्स और ये 2, क्या यही आंसर आया है क्या? बात समझ में आ रही क्या? मतलब कि कुछ फार्मूला भी अपने पास हो सकता है क्या इसके लिए? बिल्कुल हो सकता है, डायरेक्ट फार्मूला पे आप आते हैं। जैसे फार्मूला क्या हो सकता है देखो, यहाँ पे फार्मूला क्या बना सकते हैं या क्या होता क्या है फार्मूला, और उसी के बेसिस पे हम डायरेक्ट सबको करते हैं सवालों को। कैसे कि आपके सामने से सपोज की देखो फार्मूला कैसे, देखो रिमेम्बर हमेशा ध्यान रखना, रिमेम्बर एक चीज, पहला रिमेम्बर आप याद रखना कि मॉड एफ एक्स, अब सर जी ये एफ एक्स क्या वाला है? एफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन कुछ भी लेस देन आर इक्वल टू अगर ए है, ए ये जरूरी है कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होगा तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किसी भी नेगेटिव नंबर से कोई ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर से कभी भी कोई एक पॉजिटिव नंबर छोटी नहीं हो सकती है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो उस केस में हम कहेंगे कि दिस एफ एक्स, तो ऐसे अगर रहेगा तो इस एफ एक्स पूरे इस एफ एक्स को उठाकर माइनस ए से प्लस ए के बीच में डाल देना, पूरे इस एफ एक्स को उठा के माइनस ए से प्लस ए के बीच में डाल देना, कब? जब आपका ये चीज, जब आपका एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो, ठीक है। और पहला बात है ये, तो दूसरी बात कि अगर यही लिखा हो कि ये एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, फिर से मैं कह रहा हूं अगर ये निगेटिव हुआ तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो ये निगेटिव हुआ तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम उसको सोचेंगे नहीं, हम कहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, हर एक एक्स के लिए अप्लाई करेगा ये। इसको फिर से मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव अगर है तो क्या करेंगे, इस पूरे एफ एक्स को उठा के माइनस ए से छोटा कर देना यूनियन और ए से बड़ा कर देना। अब सर जी कहोगे ऐसे लिखने का तरीका, तो देखो ये है माइनस इनफाइनाइट, ऐसे माइनस इनफाइनाइट से ए में और ए के वैल्यू इतना, ए बीच में यूनियन लगा हुआ है, डायरेक्ट आंसर आएगा जैसे वो आएगा, जैसे वो नीचे में आंसर आया था तो डायरेक्ट आंसर आएगा ऐसे। तो ये ध्यान रखिए कि बस आपको यही दो पूरे फार्मूले पे काम करने हैं, ये क्या दो फार्मूला, तीसरा है कोई रॉबिनहुड है भाई ये, तो रॉबिनहुड मेथड मतलब कि ये कुछ अपना कुछ अपने अंदर कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से हम इसके आंसर ले आ पाएंगे। जैसे देखो अब मैं थोड़ा सा एक हाथ आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूं, तो मैथ का टीचर करता है आपके सामने प्रस्तुत एक क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू नहीं लाइक 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 या ग्रेटर देन 7। अगर ये है तो क्या किया जाए, क्या स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया जाए या डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ये आया, डायरेक्ट क्या उठा के कर दिया हमने, डायरेक्ट उठाया और ये 2x प्लस 3 क्या किया, 2x प्लस 3 को कहां से कहां के बीच में उठा के डाल दिया, तो ये लेस देन आर इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो लेस देन माइनस 7 यूनियन और क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 3 लेस देन इनफाइनाइट और ग्रेटर देन माइनस प्लस 7 ग्रेटर देन प्लस 7 और ये माइनस इनफाइनाइट, पूरे सम में क्या करो 3 घटा दो, तो माइनस इनफाइनाइट में से माइनस 3, एक समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ा समुद्र को, मतलब इनफाइनाइट को हम समुद्र बोलते हैं, समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लो क्या फर्क पड़ा, इसमें 3 इसमें से भी निकाल लो तो यहाँ भी समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया गया कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें माइनस मतलब एक बूंद ऐड कर दिया गया कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बिन माइनस इनफाइनाइट रहा, ये 2x हो गया, ये माइनस 10 हो गया यूनियन, ये 4 हो गया 2x हो गया लेस देन इनफाइनाइट रहा, इसमें 2 से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, तो
पर इसको फर्क पड़ा, माइनस फाइव हो गया, यूनियन ये आपका टू हो गया और ये क्या हो गया एक्स, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनफाइनाइट हो गया। कैसे लिखेंगे आंसर इसका, कैसे आंसर लिखे, देखो यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं इसको, कि लिखने का तरीका क्या होगा हमारा आंसर इसका, तो आंसर लिखने का तरीका हो जाएगा, आंसर लिखने का तरीका हो जाएगा कि x बिलोंग टू क्या है माइनस इनफाइनाइट से माइनस फाइव, ओपन यूनियन टू से इनफाइनाइट, टू से इनफाइनाइट, यही आपका इसको आंसर लिखने का तरीका हो जाएगा। ये तो ये हुआ, कल मैं आपको अगले मतलब कल जब भी नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये रॉबिन हुड की तरह कैसे इसका डायरेक्ट कैसे निकलेगा, इतना सब कर इतना हम कर रहे हैं ना, इतना करने के लिए डायरेक्ट नंबर लाइन पे कैसे ले लें, डायरेक्ट इंटरसेक्शन कैसे ले लें, डायरेक्ट नंबर लाइन पे कैसे ले लें, सब आपके सामने मैं रखूंगा। मतलब ये इलेवेंथ में जितने मॉडुलस इनइक्वालिटी है सारी की सारी मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। चलो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।